अच्छा, टेलीविजन के उस सितारे का बोध जो है बहुत स्मार्ट और हैंडसम, और उन्हें आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमित वत्स की। सुमित, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम ऑल योर फैंस इन इंडिया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा सुमित, तो आपके लिए हम ये केक लेके आए, तो चलिए कट करते हैं। जी जी जी, श्योर, थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द फैंस एंड टू एवरीवन हुज अलाइव ऑन द अर्थ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to dear Sumit. Thank you so much. Happy birthday to you. Friends को कैसे खाएंगे? Come on. Great. Okay. This one's for you. Thank you. Dada. God bless you. Anibesha. God bless. Thank you. Birthday. Thank you so much. अच्छा सुमित, तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस बर्थडे के क्या प्लान है, किस तरह से बर्थडे मनाने वाले हैं? यार, मैं अकेला नहीं मनाने वाला हूँ इस साल, तो पूरा इंडिया मनाने वाला है। एवरीवन इज गोइंग टू सेलिब्रेट होली, सो फॉर्चुनेटली एंड फॉर्चुनेटली माय बर्थडे इज ऑन होली, सो इट्स गोना बी फन फॉर एवरीवन, दोज हु लव मी एंड दोज हु डोंट लव मी, नो मैटर, बट इट्स गोना बी अ सेलिब्रेशन, सो होली कलर्स ऑफ इंडिया। सेलिब्रेशन, फ्रेंड्स भी आएंगे, तो उसमें बर्थडे पार्टी भी होगी और होली भी होगी, कुछ ऐसा? सब कुछ होगा। आई मीन शायद हो सकता है कि कल रात को पार्टी शुरू हो और होली तक चले, और हो सकता है कि होली से शुरू हो और फिर 17 की रात तक चले। अच्छा सुमित, जानना चाहेंगे कि बर्थडेज को लेके हर कोई काफ़ी एक्साइटेड होता है, तो सुमित कितने एक्साइटेड होते हैं अपने बर्थडेज को लेके? एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा तो नहीं होती है, पर हाँ, और दिनों की तरह ये भी एक दिन है। इस दिन मैं दुनिया में आया, तो सबसे पहले तो मेरे मॉम एंड डैड का थैंक यू और भगवान का शुक्रिया कि मुझे ज़िंदगी दी है। सो और बॉम्बे में आने के बाद दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट बर्थडे जो मैं काम नहीं कर रहा हूँ, सो आई एम गोना पार्टी हार्ड दिस टाइम। और बस एज इन कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है, सब रैंडम होने वाला है, सो ऑब्वियसली पार्टी तो होनी है। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे बचपन में किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? बच्चे होते हैं तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है हर कोई पार्टी मनाने। बच्चे होते हैं तब हमसे ज़्यादा, हमें तो कुछ नहीं होता था, हमें तो बस केक और कपड़े मिलने होते थे, तो उसकी बहुत एक्साइटमेंट रहती थी 2-3 दिन पहले से कि नए नए कपड़े मिलने वाले हैं, एक दिवाली पर और एक बर्थडे पर। बाकी तो चलता रहता है जो एज इन होता ही है, बट इन दिन ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि कपड़े मिलेंगे और बहुत सारे दोस्त आएंगे घर पे, कज़न्स आएंगे। तो अभी धीरे धीरे वो सब ख़त्म तो नहीं हुआ है, पर वो है, वो ये अभी एक्साइटमेंट इस बात की होती है कि कपड़े का पता नहीं, पर यह है कि जो भी प्यार करते हैं मेरे को या मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो सब आएंगे, विशेज देंगे और हम सब साथ में होंगे। अच्छा, बर्थडे पे कोई ऐसी चीज़ है सुमित जो कभी आप करना नहीं भूलते? अपने मॉम डैड को थैंक यू। ओके, अच्छा, और जानना चाहेंगे, इतने सारे फैंस हैं इंडिया फोरम्स पे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हिटलर दीदी से अब तक उन्होंने आपका साथ पकड़ के रखा हुआ है और हमेशा कंटिन्यू करेंगे वो प्यार, अब वो थ्रेड भी बना रहे हैं बर्थडे का आपके लिए, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन सबसे? क्या बोलूँ, उन लोगों के लिए शब्द ही नहीं, इतना प्यार करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं। कोशिश करूँगा कि जैसे पहले एंटरटेन किया है हमेशा करता रहूँ उन लोगों को, और गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग कमाल हैं यार, कैसे, मतलब मैं इस लायक हूँ या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बट आप लोग बहुत कमाल हैं। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, भगवान आपको जो चाहते हैं वो दे। थैंक यू सो मच सुमित, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस। कैमरामैन मंगेश, साथ रुचिका सिंह, इंडिया फोरम्स, मुंबई।